कृष्ण भगवान की उस द्वापर युग में पांडवों का जब कौरवों से युद्ध निश्चय हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, हे पांडव, आपसे एक बात कहता हूँ। आज भी परशुराम जी चिरंजीवी है और उनका क्षेत्र है, तुम उस क्षेत्र में जाकर परशुराम जी से प्रार्थना करो कि हम जो युद्ध कर रहे हैं उसमें हमें विजय प्राप्त हो। तो धर्मराज और पांडव सब लोग परशुराम जी से मिलने आए और परशुराम जी से प्रार्थना करने लगे कि हे परशुराम जी, ऐसा युद्ध हुआ है। परशुराम जी बहुत ही, एक तो गुस्से, दूसरे उनका गुस्सा सभी को पता ही है, थोड़ा भी गलती हो जाए तो श्राप दे देंगे या विद्या खींच लेंगे। आपको पता है इनके दो शिष्य, प्रधान दो शिष्य थे, एक कर्ण और दूसरे भीष्म। इन दोनों ने भी उनके गुस्से को देखा है, द्रोणाचार्य भी थे लेकिन उनके गुस्से को देखने वाले थे। भीष्म ने जब धृतराष्ट्र और पांडु को अंबिका और अंबिका को लाने गए तो उन दोनों को, तो अंबिका ने कहा कि मेरी शादी को तोड़ कर तुम लेके आए हो, तो मैं तुम्हें चाहती हूँ तुम, हे भीष्म, तुम मुझे मेरे से शादी कर लो। तो भीष्म बोले, मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हूँ, मैं नहीं लेता। तो वो उनके गुरु के पास पहुँची, परशुराम जी के पास पहुँचे और कहा कि मेरी रक्षा करो, ये अन्याय हुआ है मुझ पर। परशुराम जी ने भीष्म को बुलाया और कहा कि अन्याय हुआ है उस लड़की पर, तुझे शादी कर लेना है। तो भीष्म ने कहा, इस बारे में मुझे क्षमा कर दो, आप गुरु हैं लेकिन मैंने व्रत लिया है, मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। तो परशुराम जी गुस्से में आकर कहते हैं, तू मेरे साथ युद्ध में तैयार हो जा, जो शिष्य मेरे नहीं मानता उसके लिए युद्ध में तैयार हो जा। और भीष्म पर युद्ध का भीष्म से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भीष्म ने साष्टांग नमस्कार करते हुए परशुराम जी को कहा कि आप वीर हैं, अन्याय किया हो तो शिक्षा देना आपका कार्य है, आप शिक्षा मुझे दे सकते हैं। लेकिन इस बीच में ये पता हुआ कि जब भीष्म ने शादी के लिए नकारा तो अंबिका जो देवी थी उसने कहा कि मैं शरीर दाह कर लेकर, आप सब लोग नहीं मारते तो भीष्म को मारने का मैं व्रत लेती हूँ। और उसने अपने शरीर को जला लिया। और दूसरे दिन में कहते हैं कि युद्ध में शिखंडी नाम से हुई और उनको देखकर, वो कथा अलग है कि भीष्म ने अपने बाण वगैरह छोड़ दिए और उनको उनकी मृत्यु हुई। उसका कारण वही अंबिका बनी जिसको नहीं चाहती थी, और भीष्म को द्रोणा ने, परशुराम जी ने क्षमा किया। वैसे ही कर्ण को पता था कि सबसे इस संसार में अगर कोई योद्धा है, कोई युद्ध सिखा सकता है, कोई ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखा सकता है, अश्वशास्त्र की विद्या सिखा सकता है, वो केवल और केवल परशुराम जी है। तो कर्ण, मैं ब्राह्मण हूँ ये झूठ बात कहते हुए परशुराम जी के पास आकर विद्या सीखने लगे। परशुराम जी अपने गुरु परंपरा में कहते हैं कि कभी जो मनुष्य, अगर कोई गुरु किसी अपने शिष्य के गोद में अपना सर रख कर सोता है, गोद में अपना सर रख कर निद्रा को प्राप्त करता है या उसको शांति करते हुए निद्रा देता है, तो इस संसार का सबसे महान विष्णु पद को प्राप्त करता है। जिसके गोद में गुरु अपना सर रख कर सोते हैं और उनको उसके गोद में नींद आ जाती है, तो वह व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है और विष्णु पद को प्राप्त करता है। यह बात कर्ण को भी पता थी। और एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में बैठकर अपना सर रख कर सो रहे थे, उसी समय एक बहुत बड़ा कीड़ा जो इंद्र था, इंद्र को पता था कि अगर कर्ण अगर युद्ध हो गया तो युद्ध में फिर उसे हराने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उन्होंने कर्ण जैसा ही कर्ण को जाकर उन्होंने काटना शुरू कर दिया उस कीड़े ने, और उस कीड़े इतना काटा कि उनके इस जंघा से रक्त बहने लगा। उनको ये लगा कि अगर मैं थोड़ा भी हलूँ या थोड़ा भी चिल्लाऊँ तो मेरे गुरु की नींद टूट जाएगी, मेरे गुरु की नींद टूटी तो फिर मेरा इतना करने का क्या। और वे वैसे ही सहते रहे उनका रक्त, लेकिन वो रक्त बहते बहते परशुराम जी की पीठ के नीचे चला गया। परशुराम जी को एकदम चेतना आई कि मेरे शरीर के पीछे पीछे पीठ को ये क्या ठंडा लग रहा है, ये क्या है। उन्होंने जैसा ही हाथ लगाया और देखा तो वो रक्त था। तो उन्होंने देखा कर्ण की तरफ देखा और कहा,
कारण ये क्या हो रहा है? तो बोला प्रभु आपकी नींद टूटेगी, एक कीड़ा काट गया और वो कीड़ा काटते काटते रहते गए। तो परशुराम जी तो ज्ञाता थी, बहुत अच्छे, उन्होंने कहा तब तो तू ये मैं बहुत इसके विश्वास के साथ कहता हूँ तू ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण ऐसा सह ही नहीं सकता, कीड़ा काटे तो जोर से चिल्ला के भाग जाता, ये केवल ऐसा ही आदमी होगा जो क्षत्रिय हो सकता है, तू तो ब्राह्मण नहीं है, सच बता तू कौन है, अगर तू सच नहीं बता देगा तो तू मेरे शाप का कारण बनेगा। तब कर्ण कहते हैं कि हाँ गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं। तो उन्होंने कहा कि तूने झूठ बोलकर मेरी विद्या सीखी है, लेकिन तूने मेरी सेवा की है, तेरे गोद में मैं सोया हूँ, अच्छी नींद सोया हूँ, इसलिए मैं तुझे क्षमा करते हुए कहता हूँ, केवल एक बार कहता हूँ, एक बार युद्ध के ऐसे समय में तू मेरी दिव्य विद्या भूल जाएगा, मैं श्राप देता हूँ। और उसने उन्होंने कर्ण को दी और उस कर्ण उस श्राप के कारण कर्ण गए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि परशुराम जी उतने श्रेष्ठ शापग्रस्ती भी श्राप भी देने वाले थे और आशीर्वाद भी देने वाले थे। जब कृष्ण ने युधिष्ठिर को और पांडवों को कहा कि तुम जाकर परशुराम की शरण में जाओ और वह अस्त्र शस्त्र विद्या सीख लो, तो पंडनंदन धर्मराज सभी लोग यहाँ आए और परशुराम के चरणों में नमस्कार करते हुए कहा हे प्रभु हम आए हैं, आपको पता है कि आगे पृथ्वी के भार को कम करने के लिए युद्ध होने वाला है और उसमें कृष्ण हमारे, लेकिन हमारे विरुद्ध जो काम कर रहे हैं वो भीष्म जैसे महान भव, द्रोणाचार्य, कर्ण, जरासंध ऐसे विशिष्ट तपस्वी और आशीर्वाद युक्त लोग हैं, उनको हराना हमारे बस की बात नहीं, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें आशीर्वाद दो कि हमें विजय प्राप्त होगी, ऐसा कुछ करने के लिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो। परशुराम जी संतुष्ट हो गए और कहा हे पांडुनंदन मैं यहाँ आज तक शांता दुर्गा की ही स्थापना किया हूँ, लेकिन आज मैं जिस विद्या को अभी तक किसी को नहीं दिया था, मैं उस विजय दुर्गा का मंत्र और यंत्र और विजय दुर्गा की स्थापना मैं यहाँ तुम्हारे लिए करूँगा। और आज कहते हैं कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर विजय दुर्गा माता की माता का मंदिर है जो परशुराम जी ने स्थापन किया था, और वहाँ का यंत्र और मंत्र कहते हैं कि परशुराम जी ने कहा कि हे पंडुनंदन युधिष्ठिर यहाँ जो मैं स्तुति कहता हूँ, यहाँ जो मंत्र कहता हूँ, वो 3 संध्याओं में जो यंत्र के सामने इस मंत्र को करता है वो निश्चित रूप से विजयी होता है, चाहे उसके विरुद्ध इंद्र क्यों न खड़ा हो, कितना भी तपस्वी क्यों न खड़ा हो, वो हार ही जाएगा, मैं यह ऐसा मंत्र दे रहा हूँ। युधिष्ठिर ने वह भी अपने परशुराम जी से वो यंत्र वो मंत्र वो लिया और वे साधना करने लगे, यहाँ आए 3 संध्याओं में केवल उन्होंने किया और वो यंत्र उनके पास रख लिया। आपको पता है कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता जिसको श्री कृष्ण भगवान ने उनको यहाँ भेजकर किया था, यह उस समय की बात हो गई। मैंने विशुद्धानंद जी का एक उनकी जीवनी पर कथा एक लिखी है वो पुस्तक पढ़ा, तो उस पुस्तक में एक स्वतंत्र वीर स्वतंत्रता में लड़ रहा था, वो विशुद्धानंद जी के पास आया और कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे बंगाल के जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वह कहाँ गायब हो गए इसका पता नहीं चला, उनको तो शत्रु जर्मन वाले मारना चाहते थे या दूसरे ऐसे ही स्वतंत्र वीरों को आज खत्म किया जा रहा है और इसका श्रेय स्वतंत्रता का श्रेय किसी और को मिल रहा है, मैं कुछ ऐसा मार्ग बताऊं कि उनका नाम हो, उनका यश हो और मेरा भारत स्वतंत्र हो। विशुद्धानंद जी बहुत देर तक विचार करते रहे और उन्होंने कहा, उस वकील का नाम कुछ उपाध्याय चट्टोपाध्याय ऐसा कुछ था, विशुद्धानंद जी ने कहा एक बात तुम्हें बताता हूँ, मैं एक 5 लोगों का नाम देता हूँ ब्राह्मणों का, उन ब्राह्मणों के साथ लेकर आप इस गोमांतक क्षेत्र में जाओ, वहाँ विजय दुर्गा की स्थापना भगवान परशुराम जी ने की है, 3 संध्याओं में आप बैठकर उस विजय दुर्गा स्तोत्र का उस विजय दुर्गा साधना का तुम संपन्न करो, आप देखोगे कि हमारा भारत स्वतंत्र होगा, हमारे भारत का नाम होगा। यह बात उन्होंने कही, ये विशुद्धानंद जी की पुस्तक में लिखा हुआ।
मैं तब विचार करता रहा कि विजय दुर्गा का नाम विजय दुर्गा होगा, लेकिन विजय दुर्गा कहाँ है पता नहीं था। अब ये यहाँ आने के बाद पता चला कि विजय दुर्गा नाम की देवी यहाँ है। उसके बाद उनके शिष्य एक थे गोपीनाथ कविराज, विशुद्धानंद जी के शिष्य थे। इसके बाद उन्होंने एक बार एक अमेरिकन संस्था में उनके एक शिष्य काम कर रहे थे तो उनको कभी भी ये खतरा महसूस होता था। वो देश के लिए जरा प्रेमी थे, देश के बारे में बात करते थे, उनको देश के बारे में बहुत प्रेम था, लेकिन अंग्रेजों से ये डर था कि कब नौकरी से निकाल दें, कब गुस्सा कर दें, कभी मार के फेंक दें, अब कैसा होगा। वे आप बहुत बार ये विचार करते हुए एक बार गोपीनाथ कविराज जी के पास गए, जो विशुद्धानंद जी के शिष्य थे, उनके पास गए और उनको प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु ये बताओ, मुझे कभी भी ये डर लगा रहता है